रामपुर का चुटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक काम रहेगा। जिंदाबाद रामपुर का चुटाला जिंदाबाद रामपुर का चुटाला जिंदाबाद। पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, मुझे बहुत खुशी है माइक से बजा के रिकॉर्डिंग। आज पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने और आपका सहयोग और समर्थन जुटाने के लिए मुझे आने का अवसर मिला। हमारी एक सोच है कि हम चौधरी देवीलाल जी के लगाए हुए वो देखा अपने खून से सिंचाई करें और चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को पाया तक मिल तक पहुंचाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर आखिरी सांस तक एक ही बात के लिए संघर्ष करते रहे थे, इस देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए और जो सरकार ये सब करने में विफल रही हो उस सरकार को त्याग पत्र दे करके जनता के बीच में आना चाहिए और जनता की जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करने के लिए चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चले। मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं, अतीत में जब भी आपको सरकार बनाने का अवसर मिला हमने जनहित के कामों में पूरी रुचि ली और एक एक व्यक्ति की जरूरियात को पूरा करने का काम किया। इसलिए आज समूचे देश की हर राजनीतिक पार्टी के लोग इस बात को मान करके चलते हैं। संगठनात्मक दृष्टि से आज इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। सारे देश की निगाह आपके इस चुनाव पर टिकी हुई है, इसलिए इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके हमारी पार्टी के उम्मीदवार जिसको सर्वसम्मति से लोगों ने उम्मीदवार घोषित किया है, ये हमारी तरफ से नामजद उम्मीदवार हैं, इस क्षेत्र के लोगों की तरफ से नामजद उम्मीदवार बाड़समत गांव के समूचे लोगों ने पूर्ण रूप से हमारी पार्टी के प्रत्याशी का साथ देने का निर्णय लिया है और इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव बाड़समत संगठनात्मक दृष्टि से जहां हम मजबूत हैं वहां जातिगत निर्णय के हिसाब से भी अगर देखें तो हमारा समीकरण ऐसा बनता है कि हमारी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में कोई टिक नहीं पाएगा। इस चुनाव के परिणाम का असर आने वाले विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। पिछले साल जींद में चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस हमने मनाया था और उस सम्मान दिवस में आपने भारी संख्या में उपस्थित होकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया और उसका परिणाम ये निकला कि एलनाबाद के चुनाव में सभी विरोध पक्ष के लोगों ने इकट्ठे होकर के हमारी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ काम किया, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी और आपकी पार्टी का उम्मीदवार बहुत इज्जत और शान से जीत हासिल करने में सफल हुआ। फतेहाबाद की इस विशालतम रैली का निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम निकलेगा और एलनाबाद की तरह आदमपुर के चुनाव में
आपको भारी सफलता मिलेगी और इस सफलता के बाद निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा के चुनाव में आपकी सरकार बनेगी और जब सरकार आपकी बनेगी फिर मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करने का काम करें। आज विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अपनी पार्टियों को छोड़ करके आपके साथ शामिल हो गए। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का निर्णय ले चुके हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि चुनाव तक आप लोग घरों में नहीं रहेंगे बल्कि इस क्षेत्र के एक एक गांव में एक एक वोटर से संपर्क स्थापित करके अपने पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाएगा। कुरुणाराम की जीत का असर निश्चित रूप से समूचे भारतवर्ष पर पड़ेगा और हरियाणा की विजय श्री के बाद दूसरे प्रदेशों में भी आपकी पार्टी का नकल करेंगे और दूसरे प्रदेशों में भी विपक्ष की सरकारें बनेंगी और ये जो लुटेरी सरकार है जो आज दोनों हाथों से देश की जनता को लूट के खा रही है। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, आपके सामने है, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। हमने जो जनहित के अच्छे काम किए हैं उसका परिणाम भी सुखद निकला है। आज की सरकार के गलत कामों का अगर मैं उल्लेख करूँगा तो बहुत समय लगेगा, समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको एक ही बात कहना चाहूँगा। इस चुनाव में सत्ता पक्ष के लोग भी आपके पास आएंगे, मैं प्रेस के साथियों से खास तौर से कहूँगा कि उनसे एक ही सवाल पूछ लें कि आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर इतना कर्जा किस बात का है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हमने सरकार के